स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास नाइन्थ का। ठीक है, देखो बच्चों, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम कोई भी चीज का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ और टुकड़े करता चला जाऊं, लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर मैं इस मार्कर के टुकड़े के और टुकड़े नहीं कर सकता। एक नेक्स्ट स्टेज ऐसी आएगी जहां पर मैं उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, फर्दर तोड़ नहीं सकता, फट के छोटे पार्टिकल में बना नहीं सकता। जो लास्ट स्टेज आएगी उसको कहते हैं हम लोग एटम, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स दो एटम का कॉम्बिनेशन, ठीक है, दो एटम का कॉम्बिनेशन, उसको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल, ठीक है। वो दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हम लोग हैं, ठीक है, इतने सारे सब्सटेंस हैं, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो हम लोग हमेशा जानने की क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर कि ये सब्सटेंस, ये कंपाउंड हमारे नेचर में कैसे बनती है, ठीक है। तो इसका जवाब हमेशा हमारे साइंटिस्ट देते रहे हैं कि नवे सब्सटेंस कैसे बनते हैं, नवे कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, इसकी स्टडी के दौरान ये बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि ये सब्सटेंस कैसे बन रहा है, जब इसकी स्टडी कर रहे थे इसके दौरान उन्होंने ये पाया कि जब कोई सब्सटेंस बनता है या कोई कंपाउंड बनता है तो उनके बीच में जो एलिमेंट, जिन एलिमेंट से बनता है उनके बीच में आपस में कोई ना कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसके बीच में कंपाउंड बनेगा किसे, एलिमेंट से, दो एलिमेंट से बनेगा। अब जो एलिमेंट हैं उनका आपस में कोई ना कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। इसी के बेस पे उन्होंने हमें क्या बताया, हमें दिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, ठीक है। तो इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल में, ठीक है। वैसे तो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास पांच लॉ हैं, बट हमारे सिलेबस में दो हैं, ठीक है। तो हमने दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, जिसमें से जो पहला लॉज है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सबसे पहले ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, किसने दिया हमें, एंटोइन लुआइजर ने दिया। किसने? एंटोइन लुआइजर ने दिया। कब? 1789 में दिया, ठीक है। उसके बाद ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता क्या है, देखें, ड्यूरिंग अ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। क्या कहता है फिर से सुनो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर ना तो मैटर की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड, ना तो उसके अंदर कोई नवा मैटर बनना है, ना मैटर बनना है, ना ही डिस्ट्रॉयड होना है। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसीलिए दस इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, कहते हैं टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। दो चीजें यहां पे नवी समझने को मिलेंगी, जैसे कोई भी मैं लेता हूं, ठीक है, रिएक्टेंट लेता हूं ए प्लस बी, इसके रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे पास बन गया मान लो ए बी। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, इसको लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और जो राइट साइड होता है इसको हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट समझ में आया क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर ए और बी रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, ठीक है। फिर से देखें, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो इक्वल किसके होगा, रिएक्टेंट के होगा। देखो कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग नींबू पानी बनाते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है। अब इस नींबू पानी को बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, 5 लीटर नींबू लेता, 5 लीटर वाटर लेता हूं, वाटर लिया मैंने 5 लीटर, प्लस नींबू लिया मैंने मान लो 1 लीटर ले लिया, ठीक है, मान लो 1 लीटर ले लिया, तो जो नींबू पानी बनेगा कितना बनेगा। अब जो नींबू पानी बन रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, नींबू पानी वो कितना लीटर बनेगा,
पांच और एक 6 लीटर बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि 4 लीटर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि 8 लीटर बन जाएगा, नहीं। जितना मैंने रिएक्टेंट लिया है, जितना मैंने वाटर और नींबू लिया है, उन दोनों का एडिशन ही तो हमारे पास नींबू पानी बनेगा। यही तो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। क्या कह रहा है? जितना रिएक्टेंट में होगा मास उतना ही प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। जैसे ए भी एक रिएक्टेंट है, अब बी प्रोडक्ट है। मान ले ए आपके पास 5 ग्राम है, बी आपके 2 ग्राम है, तो जो ए बी प्रोडक्ट बनेगा कितना बनेगा? वो 7 ग्राम बनेगा, ठीक है। ये 5 2 7 मतलब 7 ग्राम बनेगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है फिर सुनो, कहता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दस इन अ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए किसी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट। सेकेंड हमारे पास है लॉ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेम दो हैं बट लॉ एक ही है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन सेम ही है, ठीक है। इसको किसने दिया? गिवन बाय प्राउस्ट इन 1797 में, ठीक है। जो ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन है, किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया इन 1797 के में, ठीक है। और इस लॉ में क्या कहा गया? कहा गया कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट्स का ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं, H2O की बात करता हूं, वाटर है, ठीक है। ये क्या है? वाटर है, ये कंपाउंड है, ठीक है। और यह हमेशा सेम एलिमेंट का ही बनेगा। जो वाटर हमेशा H2O का ही बनेगा, मतलब H+O का ही बनेगा, ठीक है। कभी भी H+C या फिर A+B वाटर नहीं हो सकता। अगर वाटर को बनाना है तो सिर्फ H और O की ही जरूरत पड़ेगी। कहता है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट मतलब H और O कंबाइन टुगेदर, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कंबाइन टुगेदर H2O बनाएंगे। और जो बनाएंगे वो सेम रेशो में बनाएंगे, सेम रेशो इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड। इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आपने H2O बनाया है तो किस मेथड से बनाया है। इनकी जो रेशियो होगी हमेशा सेम होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है सोर्स फ्रॉम वेयर इज ऑब्टेंड, इसी पर भी डिपेंड नहीं करता कि सोर्स क्या है उसका। जैसे वाटर की बात करें, अगर आप सी वाटर ले लो, आप पॉन्ड का पानी ले लो, रिवर वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, कोई भी पानी हो, ठीक है। अगर पानी के रेशियो निकालोगी वो हमेशा क्या आएगी? फिक्स्ड आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी, डेफिनेट आएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O का रेशियो निकालूं, हाइड्रोजन का कितना मास होता है? यूनिट 1 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, ठीक है। और जो उनकी रेशियो है, आप यहाँ पे देखो, जैसे H2O है ना, तो H2 है तो मतलब 1:2, दो हाइड्रोजन है और 16 एक ऑक्सीजन है, तो ये कितना बन गया? 2। और ये कितना बन गया? 16, ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे 2 और 16 नजर आ रहे हैं आपको। अगर आप इसकी रेशियो निकालो 2 और 16 की, तो क्या रेशियो आती है? देखो 2 + 2 = 16, तो ये 1:8। अगर आपको वाटर की फॉर्मेशन करनी है, अगर वाटर जो है हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलेगा, क्या रेशियो होगी उसकी? 1:8। जो वाटर की रेशियो है वो क्या है? 1:8। हमेशा जो वाटर होगा वो 1:8 में ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा 1:9 या फिर 2:8, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो वाटर की प्रपोर्शन होगी वो क्या होगी? 1:8 ही होगी। उसके बाद अगर मैं सेकंड एग्जांपल डिस्कस करूं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन किसका बना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन का क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम फिर से एक बार डेफिनेशन यहाँ पे दोहराते हैं, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, इसकी फॉर्मेशन होनी है। तो इसका जो फॉर्मेशन करने के लिए जो एलिमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, हमेशा क्या होंगे? सेम ही रहेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है तो वो हमेशा कार्बन ऑक्सीजन का ही बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है। और जो उनकी रेशियो होगी वो हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड होगी, कॉन्स्टेंट होगी, प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। मतलब फिक्स्ड रेशियो होगी। देखो बात करें कार्बन का एटॉमिक मास की 12 और ऑक्सीजन की क्या होती है? 16। यहाँ पे कितने एटम ऑक्सीजन के? 2, तो मैंने कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या हो गया? ये 12, ये कितना हो गया? 32। इसको कटिंग करें, ये कितना आ जाता है? 2 के पार्ट 6, ये कितना आता है? 16। ये कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 8, ठीक है। जो जो आपको मिलेगा, 16 × 32, ठीक है, 32 16, ठीक है, 6 2 3 2 6 6 2 12, ठीक है।
उसके बाद देखो जो रेशियो मिलेगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की हमेशा 3:8 मिलेगी। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करनी है तो वो हमेशा क्या मिलेगा, 3:8 में ही दिखेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एटम की, ठीक है। तो एटम की अगर बात करें, एटम को किसने डिस्कवर किया, ठीक है, तो जो एटम को पहले एक्सप्लेन करने वाले थे वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, एक महान भारत के संत थे, ठीक है। वो भारत के बहुत ही महान संत रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ जी ने हमें बताया अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है, जैसे मैं मार्कर लेता हूँ, मानता हूँ ये प्योर सब्सटेंस है, उन्होंने कहा कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस है आप उसके टुकड़े कर दो और टुकड़े करने लग जाओ, ठीक है, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा आएगा मार्कर का जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते और आगे नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम दिया, जो लास्ट टुकड़ा था जो आगे टूट नहीं सकता था उसको उन्होंने नाम दिया अणु। क्या नाम दिया? अणु, ठीक है, ऐसे A N U, अणु, ठीक है, अणु नाम दिया। उसके बाद उनका मानना यह भी था कि जो ये अणु है ये फर्दर सब्सटेंस से बने हैं, फर्दर स्मॉल सब्सटेंस है इनके अंदर, ठीक है, जिनको उन्होंने नाम दिया क्या, परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो अणु है वो स्मॉल पार्टिकल है जिसको तोड़ नहीं सकते, बट उनका ये भी मानना था कि जो ये अणु है उससे किससे बने हैं, वो परमाणु से, मतलब अणु से भी छोटा परमाणु होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट फिलोसफर्स आए, महर्षि कन्नड़ के बाद ग्रेट फिलोसफर्स आए जिनका मानना था कोई भी अगर मैटर है, कोई भी अगर मैटर है तो वो किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से बना है जो कि आगे तोड़ नहीं सकता, जो खत्म डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है, जिनको कहा गया, फिलोसफर ने कहा एटम, उस स्मॉल पार्टिकल्स को टर्म दिया गया एटम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। डेल्टन, जोहन डेल्टन एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं थे वो, एक स्कूल टीचर थे, एन इंग्लिश स्कूल टीचर थे वो, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं थे, जोहन डेल्टन जी जो थे एक एन स्कूल टीचर थे, ठीक है, इंग्लिश स्कूल टीचर थे, जिन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी में कहा था, क्या कहा उन्होंने, ठीक है, उसके पोस्टुलेट हम लोग यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे चार पोस्टुलेट हैं, तो हम ये चार पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो वन बाय वन, पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो देखो कहता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर है, मैटर मतलब लाइक मार्कर, लाइक पेन, फैन, टेबल, बोर्ड, ठीक है, तो कोई भी अगर मैटर है वो टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है जिसको क्या नाम दिया जाता है, एटम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट कहता है ऑल एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज, हाउएवर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड वेरी मास एंड साइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये के मार्कर है, ठीक है, और एक ये चीज है, ठीक है, ये दोनों क्या है, मैटर है, ये दोनों क्या है, मैटर है। अब ये जो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहना चाहता है, कहता है कि अगर इस मार्कर के एटम करोगे तो मार्कर के जितने भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, जिनका मास भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, साइज भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज है दूसरी वो भी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। बट आप इसकी बात करें तो इसके जो एटम होंगे वो भी आइडेंटिकल होंगे, उसका भी मास साइज भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। बट अगर आप इन दोनों का एटम का बात करो, इसका एटम इसका एटम, दोनों क्या सिमिलर होंगे, तो नहीं, डिफरेंट मैटर के एटम डिफरेंट होंगे, ये मैटर का एटम डिफरेंट होगा, ये मैटर का एटम डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद को थर्ड पोस्टुलेट कहता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जो एटम है नाइदर बी क्रिएटेड होगा नॉर डिस्ट्रॉयड होगा। फर्दर मोर एटम कैन नॉट बी डिवाइड इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एटम है ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, ये किसने कहा, हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कहा गया। उसके बाद एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड, जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के
वो क्या करेंगे, कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। उनका जो कंबाइन करेंगे वो फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में करेंगे, मतलब एक नंबर में करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे H2O, ठीक है, ये एक होल नंबर है, ठीक है, 2 क्या यहाँ पे होल नंबर है। देखो कोई भी अगर कंपाउंड बनाना है तो उसमें जो एटम कंबाइन करेंगे वो क्या होंगे, एक सिंपली फिक्स्ड होल नंबर रेशियो होगी उनकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन जी ने, उनके कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, उनके कुछ लिमिटेशंस रह गए, ठीक है, कुछ पॉइंट को वो कंप्लीटली नहीं बता पाए। जैसे उन्होंने जो पॉइंट बताए थे उनके ड्रॉबैक आए कैसे, देखो जैसे हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप लिखा है इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात नहीं की, उन्होंने क्या कहा था, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा क्या होगा, वो एटम होगा। बट ऐसा नहीं है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टेट दैट एटम वर इंडिविजिबल, हाउएवर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, डिसअप्रूव दिस पोस्टुलेट। अब देखो क्या है, जो डाल्टन जी है उन्होंने कहा कोई भी मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, मैटर होगा। बट जब बाद में डिस्कवरी होगी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, एटम के भी अंदर तीन पार्ट्स हैं, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जब ये तीन की डिस्कवरी हो गई कि एटम के भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये तीन, तब जो डाल्टन जी थे उनका ये ड्रॉबैक आ गया पॉइंट का, क्योंकि उन्होंने क्या था, कोई भी मैटर है, मैटर के जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो एटम है, बट एटम भी क्या है फर्दर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट, ही डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटॉप्स, वो आइसोटॉप्स को नहीं बता पाए। देखो आइसोटॉप्स क्या होता है, होता है अटोमिक नंबर सेम, अटोमिक मास डिफरेंट, मतलब एटम होगा उसका अटोमिक नंबर सेम होगा बट उसके मास अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की तीन आइसोटॉप्स हमारे पास, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अगर मैं इनके अटोमिक मास की बात करूँ तो प्रोटियम का जो अटोमिक मास होता है वो कितना होता है, 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्रिटियम का 3। अटोमिक नंबर तो सेम है पर अटोमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है। अभी जो डाल्टन जी थे उन्होंने पॉइंट में कहा था कि जो सिमिलर एटम, जो एटम होंगे, ठीक है, जो एटम होंगे अटोमिक नंबर सेम, अटोमिक मास डिफरेंट, जो सिमिलर एटम होंगे उनके जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने आपको बताया था एक मार्कर ये है एक ये, ठीक है, मान लो तो इसका एटम अलग, इसका एटम अलग, इसके एटम का मास अलग, इसके एटम का मास अलग, बट ये क्या कह रहा, पॉइंट कह रहा कि यही एटम है इसके तीन मास हैं। ये डाल्टन ने कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर ये एटम का है इसके जो एटम के एटम होंगे वो क्या होगा, इसका जो मास होगा, डेंसिटी होगा, वो क्या होगा, सिमिलर होगा। बट यहाँ पे ये नहीं है, जब आइसोटॉप्स आए तो उसके मास अलग अलग आए, ठीक है, एटम सेम था, एटॉमिक नंबर सेम था। आगे बात समझ में। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो कहता है इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स, वो आइसोबार्स को भी नहीं बता पाए। आइसोबार्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, कोई एटम है उसका एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास सेम होगा। अब ये पॉइंट उल्टा कर रहा है, जैसे ये मार्कर का एटम, ये इसका एटम, ठीक है, दोनों के एटम का जो एटम है उनके मास क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होगी, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। बट ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका एटम और इसके एटम का जो मास है वो सेम है। डाल्टन ने तो कहा था डिफरेंट है बट ये पॉइंट क्या कह रहा है, सेम है, ठीक है, जब आइसोबार्स की डिस्कवरी होगी। तो आइसोबार्स क्या है, एग्जाम्पल है जैसे आर्गन एंड कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, आर्गन का एटॉमिक मास 40, दोनों के एटॉमिक मास सेम है, दोनों के एटॉमिक मास सेम है ना, उन्होंने कहा था डिफरेंट एटम, जैसे कैल्शियम एटम डिफरेंट है, आर्गन डिफरेंट है, इन दोनों के मास भी डिफरेंट होंगे, बट यहाँ पे मास देखो इसका 40 इसका 40, दोनों का मास भी सेम है, तो उनका भी ये एक क्या है, ड्रॉबैक रहा। स्टूडेंट्स हम एटॉमिक सिंबल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एटम्स हैं उनको सिंबल दिए गए, सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, जबकि पूरा नाम ना लिखना पड़े, जैसे हाइड्रोजन पूरा हाइड्रोजन ना लिखें, आयरन पूरा आयरन ना लिखें, इनको किसी सिंबल में रिप्रेजेंट कर दें। तो सिंपल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो बहुत ही पुराने साइंटिस्ट, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग, ठीक है, पुराने टाइम की बात करेंगे फिर हम आज की बात करेंगे मॉडर्न की। तो पुराने टाइम के साइंटिस्ट आए अल्केमिस्ट, ठीक है, अल्केमिस्ट ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, मतलब फिलोसोफर थे, इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट थे उनको सिंबल दिए, ठीक है, कुछ सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जैसे इन्होंने कॉपर, कॉपर की बात करें तो कॉपर को रिप्रेजेंट किया इन्होंने कुछ इस तरह से साइन बनाया, इस तरह से सिंबल दिया इनको, ठीक है, कॉपर को इस तरह सिंबल दिया। उसके बाद गोल्ड को,
गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड को कहा सर्कल बना दोगे इसका मतलब होगा गोल्ड, अगर ये शाइन देखते हो तो इसका मतलब होगा कॉपर। किसने बताया? अल्केमिस्ट ने बताया। और आयरन को बताया इन्होंने कुछ इस तरह से, इन्होंने कहा अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो वो क्या होगा? आयरन होगा। बट ये सारे सिंबल को रिमेंबर करना ठीक है, क्योंकि अजीब गरीब है ठीक है, ये साइन आयरन का, ये साइन कॉपर का, गोल्ड का, तो हमारे पास एलिमेंट तो 118 के करीब है ठीक है, सभी को सिंबल याद करना मुश्किल हो रहा था ठीक है। तो उसके बाद सिंबल के ऊपर स्टडी की डाल्टन जी ने, डाल्टन ने भी कोई बढ़िया सा ही सिंबल दिया, इन्होंने भी कुछ इस तरह से ही दिया। जैसे देखते हैं डाल्टन ने हाइड्रोजन को, इन्होंने रिप्रेजेंट किया सर्कल प्लस बीच में बिंदी लगा दी, इन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो हाइड्रोजन होगा, ये सिंबल है हाइड्रोजन का। उसके बाद ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया, इन्होंने कहा कि बड़ा सर्कल एक सर्कल बना दो, ये क्या होगा? ऑक्सीजन होगा ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन का सिंबल दिया ठीक है। नाइट्रोजन का सिंबल की बात करें तो नाइट्रोजन कुछ इस तरह से था, उन्होंने क्या कहा सर्कल बना दिया और बीच में ऐसे डंडी मार दी, इन्होंने कहा अगर ऐसा सिंबल होगा तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन का होगा। उसके बाद सेकंड बात करें हम कॉपर की ठीक है, सेकंड बात करें कॉपर की, तो उन्होंने कॉपर का जो सिंबल दिया कुछ इस तरह से दिया, एक सर्कल बनाया बीच में छोटा सी बना दिया, ये इन्होंने कहा कि ऐसा सिंबल किसका होगा, कॉपर का होगा। ऐसे उन्होंने जिंक का भी दिया सेम, जिंक का भी क्या किया उन्होंने सर्कल बनाया और जेड बनाया ठीक है। तो डाल्टन का भी जो सिंबल देने का तरीका था वो भी सही नहीं था ठीक है, इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद जो जिनका एक्सेप्ट किया गया वो जो साइंटिस्ट है वो है हमारे पास बर्जेलियस। बर्जेलियस ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंबल दिया, इन्होंने कुछ इस तरह से नहीं बनाए सर्कल या फिर कुछ करके ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का जो पहला नाम होगा, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे एच है तो ये कैपिटल एच ही इसका सिंबल होगा ठीक है। इन्होंने बताया जैसे ऑक्सीजन कैपिटल ओ है तो इनका जो सिंबल होगा कैपिटल ओ होगा। उसके बाद देखा गया कई जैसे नाम है, जैसे कई नाम जो है वो डबल से स्टार्ट होते हैं, डबल से मतलब जैसे जैसे मैं बात करता हूं जैसे हाइड्रोजन ठीक है, एल्यूमिनियम, ए से आर्गन भी आता है, ए से एल्यूमिनियम भी आता है, एल्यूमिनियम और आर्गन, ये एल्यूमिनियम और ये आर्गन दोनों ए से स्टार्ट होते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या करेंगे, जो पहला लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा, जो दूसरा लेटर होगा वो स्मॉल होगा। बर्जेलियस ने जो हमें सिंबल देने का तरीका बताया और बर्जेलियस के ही सिंबल देने के तरीके को ही एक्सेप्ट किया गया, इसी को हम आज पढ़ते हैं, इन्हीं की दी हुई बर्जेलियस की जो सिंबल देने का तरीका है इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग याद करते हैं ठीक है। तो चलो मैं पहले 20 एलिमेंट्स आपको लिख कर देता हूं जिनको आपने सीक्वेंस में याद भी करना है क्योंकि हमारे चैप्टर आगे में काम भी आने वाला है और उनके सिंबल्स भी हमें याद करने हैं ठीक है। तो ये बाय द प्रैक्टिस आपको आएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन। तो इनको थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल में ठीक है, ऑक्सीजन के बाद देखते हैं आगे लिखते हैं ठीक है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन को मैंने डिनोट किया ठीक है एच से, हीलियम को एच ई से, अभी बर्जेलियस ने क्या कहा जो फर्स्ट से हाइड्रोजन भी स्टार्ट हो रहा है हीलियम भी स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करना है इसके सातवां लेटर ले लेना ठीक है, और उसको स्मॉल में लेना है कैपिटल में नहीं लेना है। जैसे हीलियम एच ई ले लिया मैंने ठीक है, पहला कैपिटल हमेशा कैपिटल में होगा, दूसरा कैसा होगा स्मॉल में होगा। उसके बाद लिथियम ठीक है एल आई से, बेरिलियम बी ई से, उसके बाद बोरोन कैपिटल बी से, कार्बन को सी से, नाइट्रोजन को एन से, ऑक्सीजन को ओ से ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद हमारे पास एफ एल ओ क्या है, एफ एल यू ओ आर आई एन ठीक है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को जो डिनोट करते हैं हम लोग कैसे करते हैं एफ से। उसके बाद फ्लोरीन के बाद न्यून ठीक है, न्यून, न्यून को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, एन ई से, न्यून।
तो ये सिंबल्स हैं, ये क्या है आपके पास सिंबल्स हैं, ये क्या आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको सिंबल दिया है मैंने, तो ये सिंबल ही आपको याद करने हैं, इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद न्यून के बाद आगे स्टार्ट करते हैं सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, फॉस्फोरस सल्फर, ठीक है। तो क्या क्या सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, ठीक है। ये नंबर देते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसके बाद क्लोरीन Cl आर्गन, उसको 19 पोटाशियम, उसके बाद 20 कैल्शियम, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम को एन ए सी, मैग्नीशियम को एम जी सी, एल्यूमिनियम को ए एल सी, सिलिकॉन को एस आई सी, फॉस्फोरस को कैपिटल पी सी, सल्फर को कैपिटल एस सी, क्लोरीन को सी एल सी, आर्गन को ए आर सी, पोटाशियम को के सी, कैल्शियम को सी ए सी, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको इसे पी दिख जाए तो इसका मतलब क्या है फॉस्फोरस, अगर बी दिख जाए तो बोरोन, ए एल दिख जाए तो एल्यूमिनियम। ये सिंबल्स हैं, क्या है ये सिंबल्स हैं, ठीक है। इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को, ताकि हमें याद करना, ठीक है, ये ना हो हम स्टडी करें केमिस्ट्री के पूरा बेरिलियम लिख रहे हैं, पूरा बोरोन लिख रहे हैं, कार्बन लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्टडी वास्ट करनी होती है तो टाइम भी बचाना होता है, सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंबल देखते ही हमें पता लग जाता है कि बी से बोरोन, सी से कार्बन, ठीक है, अगर कहीं भी हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो, ठीक है। तो ये सिंबल्स हैं आपको, ये एलिमेंट्स हैं, आपको सीक्वेंस में 20 एलिमेंट्स याद करने हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट्स आएगा, अभी हम आगे चैप्टर लेके चलेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे बेनिफिट समझ में आएगा। अभी आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एलिमेंट्स आपको सीक्वेंस में 20 तक याद करने हैं विद देयर सिंबल्स। अगर मैं पूछूं बताओ 17 नंबर पे कौन सा एलिमेंट्स आता है, तो आपको याद होना चाहिए 17 नंबर पे क्लोरीन आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। ये आपको याद करने हैं सीक्वेंस में, ठीक है। इसको आप लिख कर याद करोगे तो जल्दी से याद हो जाने हैं, ठीक है, वैसे भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, बट लिख के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा।